तो यहाँ पे कंपटीशन भी है। Hey guys, welcome to another videos blog. तो कैसे आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है बसंत पंचमी है और आप सबको ढेर सारी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और मैंने नहा लिया, फ्रेश हो गया, पूजा वूजा कर लिया है। और गाइज आज वैलेंटाइन डे भी है तो आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे माई यूट्यूब फैमिली। और यहाँ पे बाबू भी रेडी हो चुकी है, लाइक देख सकते हो पूजा वूजा कर लिया इसने भी। हम लोगों ने सब नहा लिया है और आज जो है हमारे यूनियन वाले जो होते हैं वो यहाँ पे सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है गाइज गुजरात में भी। तो हमारे जितने भी जो बिहार यूपी से रिलेट करते हैं यहाँ पे जितने इम्प्लॉय हैं वो सब लोग यहाँ पे मिलके ऐसे सरस्वती जी की मूर्ति बैठाते हैं और उनकी पूजा होती है और फिर भंडारा करते हैं हम लोग। तो वही आज हमारे यहाँ होने वाला है और हम लोग अभी पूजा के लिए मतलब रेडी होने वाले हैं। रेडी होकर डायरेक्ट हम लोग पूजा मतलब पूजा में जाएंगे। और अभी क्या हुआ कि जैसे सुबह उठे तो पहले पूजा तो 12 बजे से स्टार्ट है लाइक, तो अभी हम लोग सोचे कि क्यों ना नाश्ता कर लेते। तो आज नाश्ते में भी थोड़ा कुछ स्पेशल बनाया जा रहा है तो मैं नाश्ते में आज बना रही हूँ डोसा और चटनी और सांभर। तो अभी उसका सारा जो स्टफ होता है वो लाइक तैयार करना बाकी है लाइक। तो मैं सोची क्यों ना पहले थोड़ा सा सूट कर लिया जाए क्योंकि यहाँ पर आज का दिन मेरा बहुत बिजी होने वाला है लाइक। अभी पूजा में जाना है, फिर मुझे एक ज्वेलर्स दुकान है उनका ओपनिंग है तो वो भी मुझे आज जाना है लाइक। और फिर दोपहर के बाद मेरा शाम को मेरा मतलब मीटिंग है हमारे महिला कल्याण समिति का, तो वहाँ पे भी हमें जाना है। वहाँ पे ड्रेस कोड रखा गया है येल्लो और रेड कलर की साड़ी पहनना वो कंपलसरी है। तो मतलब आज पूरा डे मतलब मेरा शेड्यूल आज बिज़ी होने वाला है लाइक। ऐसा मैं सोची कि क्यों ना सूट कर लूँ और ये चीज़ यादगार रहेगी कि चलो वैलेंटाइन डे पे भी कुछ मतलब एक स्पेशल रहा पूरा दिन लाइक ऐसा। तो अभी हम लोग रेडी होके और डायरेक्ट पूजा जहाँ पे हो रही है वहाँ पे जाने वाले हैं। और अभी कैसा मैं रेडी होती हूँ, कैसा मेरा आज का लुक है वो सब कुछ आपको वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा। तो ब्लॉग को स्किप ना करें और पूरा देखें। और जो भी हमारे चैनल पर गाइज नए आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करके जाएँ। और तो रेडी होते हैं। तो गाइज यहाँ पे डोसा जो है अभी मैं बना रही हूँ और मुझे साउथ इंडियन डिश बहुत पसंद है। तो ये जो है आपको दिख रहा है ये जो है वो भरावन इसका स्टफ है और साथ में दही बड़ा भी है और ये चटनी बनाया मैंने। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और सानू हमारे साथ ये क्या लिए? कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी, कभी बचपन में हम लोगों ने क्या इसे बोलते थे, हवा मिठाई, और ये कॉटन कैंडी। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करना और साड़ी पहन के गाइज बड़ा डिफिकल्ट है। बोल भी ना पक्का ही बंद करो। अच्छा। गाड़ी स्टार्ट होगा कि नहीं होगा हमको कुछ नहीं पता। गाइज अभी हम लोग घर आ गए और बहुत सारा हम लोगों ने रील्स बनाया है। ये पीछे से कोई बोलता है धुंध रहा है।
कितना मस्त आ रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे रील्स बनाए हैं और आप लोग जाके देखिएगा, भर भर के कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वाह देखो कितना अच्छा फेस आ रहा है। तो गाइज अभी हम लोग पूजा से आ गए और अभी हमको जाना है क्लब, क्योंकि अभी रेडी होके वापस से वहाँ पे भी रखा गया आज प्रोग्राम। आज हमारा विदाई समारोह है, एक मैम है तो उनका, तो इस वजह से तो अभी हम लोग रेडी होके और वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ पे ब्लॉग शूट करने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अलाउ नहीं है, वहाँ पे अलाउ नहीं करते इस वजह से। तो अभी वो भी वहाँ पे जाके और उनका विदाई समारोह फंक्शन है तो वो भी अटेंड करना है, तो चलते हैं। आ रही है हमारे